अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़िद्दी पीर ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद सैयद अली हैदर शाह की तरफ से हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज जो मैं लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, इस अमल का आवान है तीन लफ्ज़ से शैतान की बेटी की हाज़िरी। ये सिर्फ सो सिर्फ 5 मिनट का अमल है। 5 मिनट में इस अमल में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और शैतान की बेटी को हाज़िर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने शैतान की बेटी को कैसे हाज़िर करना है और इसको हाज़िर करने के बाद इससे क्या क्या काम करवा सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। आपने वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अमल की सही तरह समझ आ सके और इस अमल को करके आप शैतान की बेटी को हाज़िर कर सकें। चलें दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए अमल की तरफ चलते हैं। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। चलें दोस्तों, अमल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये बात आपको बताता चलूँ कि इस अमल को मर्द और दोनों कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, दोनों इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल में आपने बखौर लोबान का या फिर गूगल का रोशन कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद इस अमल का जो टाइम है वो रात को 12 बजे का है। आप किसी भी दिन इस अमल को रात को 12 बजे कर सकते हैं, जिस दिन आपके पास टाइम हो। इस अमल में इजाज़ लेना ज़रूरी है। आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके या कमेंट में मैसेज करके इजाज़ ले सकते हैं। इजाज़ लेने का आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारी पोशीदा ताकतें आपकी हिफाजत करती रहेंगी और आपको अमल में 100% कामयाबी होगी। दोस्तों, इस अमल में जो आपको चीज़ें दरकार हैं उसमें संदूर है, आपने संदूर ले लेना है। उसके बाद आपने तीन अदद नारी ले लेने हैं और 3 किस्म की मिठाई ले लेनी है। आपने एक पाव 3 किस्म की मिठाई ले लेनी है। आपने जब ले लेंगे उसके बाद आपने अपने कमरे में चला जाना है। आपने केरे कमरे में इस अमल को करना है। अकेले कमरे में आपने इस अमल को करना है और इस बात का खास ख्याल रहे कि वहां पर कोई मौजूद ना हो, आप वहां पर अकेले ही मौजूद हों। दोस्तों, वहां पर जाकर आपने किसी भी जगह बैठ जाना है, पर याद रहे आपने बेड पर या चारपाई पर बैठकर ये अमल नहीं करना, आपने नीचे ज़मीन पर बैठकर ये अमल करना है। आपको इस अमल में हसार की कोई ज़रूरत नहीं, आप हसार के बगैर भी ये अमल कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपने रूम में चले जाएंगे उसके बाद आपने लोबान या गूगल का बखौल रोशन कर लेना है। उसके बाद आपने ज़मीन के बैठ जाना है। ज़मीन पर बैठने के बाद जो मंत्र आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस मंत्र को आपने 201 बार पढ़ना है। दोस्तों, एक बार पढ़ेंगे जैसे ही मंदिर की तादाद पूरी होगी आपके सामने शैतान की बेटी की हाज़िरी हो जाएगी। दोस्तों, वो हाज़िर होते ही आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो आपने उससे कहना है कि मैं आपसे उम्र भर की दोस्ती चाहता हूँ। वो आपसे उम्र भर की दोस्ती के लिए आपसे ये सारी चीज़ें मांगेगी। दोस्तों, आपने उसको ये सारी चीज़ें देने से पहले उसको कहना है कि आप मुझे दोबारा हाज़िरी का तरीका कार बताओ तो मैं आपको फिर ही ये चीज़ें दूंगा, नहीं तो मैं आपको ये चीज़ें नहीं दूंगा। दोस्तों, वो आपको फौरन ही दोबारा हाज़िरी का तरीका बता देगी आपको कि आप उसको कैसे हाज़िर कर सकते हैं। दोस्तों, वो आपको दोबारा हाज़िर का तरीका कर बताएगी, तो आपने भी फौरन ही उसको ये तीनों चीज़ें दे देनी है। दोस्तों, उसके बाद वो आपसे दोस्ती कर लेगी और आपने उससे कसम भी ले लेनी है कि मैं आपको जब भी बुलाऊँगा आप आओगी। दोस्तों, ये अमल हमारे कहने पर बहुत सारे दोस्तों ने किया और इसमें कामयाबी हासिल की। ये अमल बहुत ही छोटा, मुजरब और अजमूदा अमल है। इसको करें, आपको 100% कामयाबी होगी। दोस्तों, अगर आप ये अमल खुद नहीं करना चाहते तो आप हमसे भी अमल करवा सकते हैं और शैतान की बेटी का ड्रग ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। अगर आप ये अमल खुद कर रहे हैं तो इस अमल को करने के दौरान आपको कोई मसला, परेशानी है या अमल में कामयाबी ना हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई मेरा बहन भाई और किसी टेंशन परेशानी में मुबतला है और अपना कोई भी जायज़ और नाजायज़ काम करवाना चाहता है तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपना हर जायज़ और नाजायज़ काम करवा सकता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सांसा अमल। जल्द नए अमल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।